साथियों, बीजेपी सिर्फ घोषणाओं पर नहीं, घोषणाओं को तेजी से अमल करने पर विश्वास करती है। जो कहा हम उसको समय सीमा के भीतर करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो हमारे विरोधी भी कहते हैं कि मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं। हमें कहा जाता है कि मोदी अपने दोस्तों के लिए काम करता है। हम सब जानते हैं, बचपन में हम जहां पले बड़े होते हैं, जिनके बीच में खेले होते हैं, जिनके साथ पढ़े होते हैं, वो हमारे पक्के दोस्त होते हैं, जीवन भर के पक्के दोस्त होते हैं। मैं भी गरीबी में पला बड़ा और इसलिए उनका दुख दर्द क्या है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों न हो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उसे भली भांति अनुभव कर सकता हूं। मुझे इसके लिए किताब नहीं पढ़नी पड़ती है, न कोई वीडियो देखना पड़ता है, न कोई तस्वीर देखनी पड़ती है, क्योंकि मैं इसे अनुभव करता हूं। और इसलिए मैं दोस्तों के लिए काम करता और मैं दोस्तों के लिए ही काम करूंगा। भाइयों बहनों, मैं बंगाल के अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने दोस्तों को बंगाल में लगभग 90 लाख गैस कनेक्शन दिए हैं। मैंने अंधेरे में जी रहे अपने बंगाल के 7 लाख से अधिक दोस्तों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 60 लाख से ज्यादा शौचालय इज्जत घर बनवाए हैं। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 32 लाख से अधिक पक्के घर स्वीकृत किए हैं। दलित हो, पिछड़े हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी दोस्तों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। और साथियों, बंगाल के चाय वाले, यहां के टी गार्डन में काम करने वाले, ये हमारे भाई बहन तो मेरे विशेष दोस्त हैं, क्योंकि मेरा चाय से जरा अलग ही नाता है। मेरे ऐसे कामों से उनकी भी अनेक परेशानियां कम हो रही हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से मेरे इन चाय वाले दोस्तों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम का भी लाभ मिलना तय हुआ है। किसी बीमारी की स्थिति में काम रुकने पर या फिर गर्भावस्था के दौरान महिला कर्मचारियों को दिक्कत न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। इस साल के बजट में मेरे इन चाय वाले दोस्तों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना का ऐलान भी किया है, क्योंकि यही मेरे दोस्त है। साथियों, कोरोना ने पूरी दुनिया में सबको परेशान किया, लेकिन मेरे ये गरीब ही दोस्त थे जो ज्यादा परेशान हुए। जब कोरोना आया तो मैंने अपने हर दोस्त को मुफ्त में राशन दिया, मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, करोड़ों रुपए बैंक खाते में जमा करवाए। दुनिया में कोरोना वैक्सीन इतनी महंगी है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के लिए सरकारी अस्पताल में मुफ्त में टीका लगाने का प्रबंध कर दिया। बहनों और भाइयों, कौन है मेरे दोस्त? आप ही मेरे दोस्त हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ये मेरे दोस्त हैं। सपने लेकर के पुरुषार्थ करने वाला हर नौजवान मेरा दोस्त है। गरीब की झोपड़ी में पैदा हुआ बच्चा भी मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त
जब दोस्ती का कर्ज निभाते हैं तो इन लोगों को जरा दिक्कत होने लगती है, उनको परेशानी हो रही है कि ये तो हमारे कब्जे में थे, ये कौन नया दोस्त आ गया। जब मोदी अपने इन करोड़ों दोस्तों की सेवा करता है तो गुस्से में ये इसमें भी रोड़े अटकाने का काम करता है। आज मैं इन लोगों को कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिए, मैं पश्चिम बंगाल के अपने इन दोस्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता हूं। बंगाल सरकार रोक रही है, लेकिन मैं बंगाल के लाखों किसान दोस्तों के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए सीधे जमा करना चाहता हूं। बंगाल सरकार रोक रही है, लेकिन मैं बंगाल के करोड़ों गरीब दोस्तों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देश में कहीं पर भी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देना चाहता हूं। अब मेरे आप सभी दोस्त बताइए, दोस्ती चलेगी या तोलाबाजी? दोस्ती चलेगी? चलेगी?